प्रयागराज त्रिवेणी संगम क्षेत्र में देव दीपावली के पर्व शुभ अवसर पर 11 लाख दीपों को जलाकर दीप महोत्सव का भव्य कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन माननीय जिला अधिकारी महोदय के आह्वान पर करने पर प्रतिवर्ष के भांति सभी पुलिस प्रशासन एवं विभाग के आला अधिकारी शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चे संगम तट पर उपस्थित होकर सभी गंगा यमुना घाटों पर दीप जलाकर पूजा अर्चना किया। इस क्रम में त्रिवेणी संगम सेवा समिति कार्यकर्ता दिनेश कुमार के नेतृत्व में एरल घाट पर उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित किया। प्रयागराज से की रिपोर्ट। सभी होगा क्योंकि समय थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है, तो आप अभी समस्त तैयारियां पूर्ण कर लें। सब जगह यहीं गिले हो सब लोग इकट्ठा। अमूल महाजन ने अपने भाषण में बोला था में विराजमान है। आइए दिखाते हैं सुंदर नजारा आपको प्रयागराज की पावन नदी का। आप देखिए दीप उत्सव दीपावली है, उस आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो अध्यापक है और सहायक अधिकारी गण लगे हुए दीपक जलाने हैं, जब यहाँ से निर्देशित किया जाएगा तब आप लोग दीपक जलवाएंगे। थैंक यू।
दीपावली बाप ने मनाया है, इसका क्या है और कैसे इसका क्या महत्व है? आज हम लोगों ने स्टैंड आर्ट दीपावली हम लोगों ने बहुत ही अच्छी थीम पे ये स्टैंड आर्ट तैयार किया है। हम लोगों ने एक कलश बनाया है, दो कलश और बनाए, एक तरफ के इस क्षेत्र में माँ गंगा के पावन चरण में आप सभी लोग आए हुए हैं और देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को देव दीपावली का महापर्व मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और उनके वध के जो है कारण सारे देवताओं में अत्यंत हर्ष व्याप्त हो गया था और सारे देवताओं ने मिल करके देव दीपावली का आयोजन किया। गंगा तट पर सारे देवता आते हैं और देव दीपावली का महापर्व मनाते हैं। तो समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी भक्तजनों को, यहाँ आए हुए सभी श्रद्धालुओं को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। सभी उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़े, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। सर, आपके जो बच्चे आए हुए हैं NCC के, कितने छात्र हैं जिन्होंने यहाँ कला का प्रदर्शन किया है? देखिए, यहाँ पर जो छात्र आए हुए हैं पूरे प्रदेश से आए हैं और अलग अलग संस्थाओं से यहाँ पर असंख्य संख्या में जो है छात्र लोग उपस्थित हुए हैं और सभी ने यहाँ पर आज देव दीपावली के महापर्व पर दीपदान बढ़ चढ़ करके किया है और सभी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में सभी बालक और बालिकाएं यहाँ पर दीपदान का आयोजन कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री।